दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे वी टोकन वो अगर टोकन के प्राइस पेमेंट के बारे में कैंटली वन फोर्टी वन सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एक अच्छा खासा क्विक पंप इसके प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला है कल से अभी तक इसके प्राइस में ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट का पंप देखने को मिला है जीरो पॉइंट 224 वाले एरिया से इसने 0.415 वाला एरिया ट्राई किया है करेंटली लगातार इसकी प्राइस में अपट्रेंड देखने को मिल रहा है हालांकि ये बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल कॉइन है बैंक करप्सी से रिलेटेड जो अभी एफ ने जो बैंक करप्सी का पटिशन दायर किया है यूएस के अंदर उनका जो चैप्टर 11 है उसके थ्रू तो इनका भी पिटिशन है और यहाँ पर बिनाश ने वार्निंग भी शो की है तो ये बहुत रिस्की कॉइन है इसमें आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से अगर आपने एंट्री ली है डिप के अंदर तो आपको कहाँ पर सेल आउट करना है ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से एंट्री ली है कहाँ पर सेल आउट करना है कौन से एरियाज़ है जहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है क्या कुछ न्यूज़ है और आल सारी चीज़ों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम मेम्बरशिप स्टार्ट की है जो ज्वाइन जो करना चाहते हैं वो इंस्टा पर डी कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में बेनिफिट्स की डिटेल्स भी है मेंबरशिप में आपको क्या मिलेगा करेंटली कॉइन जीरो पॉइंट फोर जीरो सिक्स पर ट्रेड कर रहा है फिफ्टीन मिनट का चार्ट ओपन है और इस कॉइन जैसे एफ़ टी एक्शन ने अपना बैंक करपसी का वो पटिशन दायर किया है कि हम अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है हम पूरी तरह दिवालिया हो गए हैं तो ये उन्होंने बोला है यूएस के अंदर जो भी उनका जो प्रोसेस रहता है उसके थ्रू तो यहाँ पर जो वी जी एक्स टोकन है जो वो एगर टोकन है इनका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर भी इन जुलाई मंथ से ये चीज़ें इनकी चल रही है जो इनके जो भी एसेट्स थे ये एक एक्सचेंज है और इसके जो एसेट्स थे जो ट्रेडिंग वगैरह इसके अंदर इन्वेस्टर करते हैं तो वो एसेट्स भी ब्लॉक कर दिए थे एक टाइम पर और वहाँ पर भी स्क्वाइन के अंदर डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला था यहाँ पर ब्लॉक किए थे तो फोर्टीन सेंट तक प्राइस आ गई थी फिर ये जो एसेट्स है वो अनब्लॉक कर दिए थे फिर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी अच्छा पंप देखने को मिला था वन यूनिवर्सिटी तक गया था फिर डाउन ट्रेंड फिर वन यूनिवर्सिटी तक तो इन एरियाज़ पर हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था अभी इसने 20 सेंट वाला लो बनाया था और ये जो ये जो डाउन ट्रेंड है ये इसी वजह से हुआ था एफ ने का जो भी चीज़ें हुई उसका इम्पेक्ट इसके ऊपर भी पड़ा वो हालाँकि इसका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन सेम चीज़ें जो हुई उस वजह से थोड़ा सा जो इन्वेस्टर है वो घबरा गए तो इस वजह से ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली फिर वापस से अभी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है लेकिन फिर भी ये जो है ये बहुत रिस्की कॉइन है आपका इसमें बाई करना एक रिस्की एंट्री अगर आपने ली है तो वो ठीक है नहीं तो ऐसे बाई करना कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से या फिर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही नहीं रहेगा कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इनके ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं आप बाकी न्यूज़ आप देख सकते हैं तो करेंटली फोर्टी सेंट पर ट्रेड कर रहा अगर आपने एक रिस्की एंट्री ली यहाँ पर एक एरिया पर ट्वेंटी सेंट के अंदर ट्वेंटी फोर के अंदर अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा करेंट लिए ऑलमोस्ट फोर्टी सेंट पर ट्रेड कर रहा है तो टारगेट्स की बात करें तो जिन लोगों ने क्विक प्रॉफिट अर्न करने के प्रस्पेक्टिव से एंट्री ली थी तो उनका ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा अगर आपने थर्टी सेंट पर भी एंट्री ली होगी तो थर्टी परसेंट तो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा तो फोर्टी सेंट पर तो आपको सेल आउट करना ही है यहाँ पर जिन लोगों ने भी ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से या शॉर्ट टर्म में एंट्री ली है फोर्टी सेंट पर आपको सेल आउट करना है हालाँकि ये नहीं कह रहे कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी उसके लिए हम आप अगर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो यहाँ पर आप फोर्टी सेंड पर अपना सेवेंटी परसेंट पार्ट्स अलाउड करके प्रॉफिट बुक कर लें बाकी जो थर्टी परसेंट पार्ट है उसको आप यहाँ पर फिफ्टी सेंट या फोर्टी एट सेंट अपना टारगेट रख ले ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं इससे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो कम हो जाएगा रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा कि बाई चांस अगर यहाँ से गिरता भी है कौन लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि सपोर्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल जो फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी सेंट वाला एरिया है ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पर जाके इसमें एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है प्रीवियसली या ये तो जो न्यूज़ निकल के आई थी उसकी वजह से पर यहाँ पर प्रीवियसली प्राइस गई थी ट्वेंटी सिक्स सेंट से फिर इसने रिकवरी की थी और अभी ये ट्वेंटी सेंट पर आ गया है तो एक चांसेस ये है कि अगर हिस्ट्री रिपीट होती है अगर आ, एक वॉलिटली इसमें क्रिएट होती तो ये कॉइन आपको एटी सेंट सेवेंटी एटी सेंट या वन यूजी टी भी ट्राई करता और दिख सकता उसके चांसेस फिफ्टी फिफ्टी वाले रेशियो हो सकते हैं तो इस चीज़ पर भी आपको देखना है कि अगर ऐसा होता है तो वो भी आप उसमें प्रॉफिट ग्रेप कर सकते हैं तो वो जो थर्टी परसेंट पार्ट है उसके लिए आप कितना भी टारगेट बढ़ा सकते हैं फिफ्टी सेंट कर सकते हैं उसको सिक्सटी सेंट कर सकते हैं चार्ट को फॉलो करते हुए जैसे यहाँ फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट की कैंडल है ट्वेंटी फोर से इसने डायरेक्ट थर्टी सेवन वाला एरिया ट्राई किया यानी कि फिफ्टी परसेंट का मूव सिंगल कैंडल में तो इस टाइप की अगर कैंडल क्रिएट होती है तो उसमें आप उसको ग्रेप कर सकते हैं दूसरा ये जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ इसको सुनकर बहुत सारे जो मैं बोलता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर हैं इसको सुन के वो लोग कुछ लोग सेल्फ डिसीज़न लेंगे कि यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं सर ने बताया कि ये एटी सेंट तक जा सकता है तो यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आप यहाँ पर बाई करके उसमें प्रॉफिट बुक कर लें बाई करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि यहाँ पर आपको बाई करना है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने ट्वेंटी सेंट ट्वेंटी सेंट अंडर थर्टी सेंट तक इस कॉइन को बाई किया वो कितना भी रिस्क लेंगे ऊपर की तरफ उनको लॉस तो नहीं होने वाला है अगर प्रॉफिट होगा बहुत अच्छी बात है और प्राइस अगर गिरती है उनके एरिया एरिया पर भी आ जाती है जहाँ पर उन्होंने बाई किया है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप बाई करेंगे थर्टी नाइन सेंट पर या फोर्टी सेंट पर थर्टी एट सेंट पर बाई करेंगे तो यहाँ से अगर ये कॉइन गिरता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आपको लॉस हो गई होगा आपके लॉस के चांसेस नाइन्टी परसेंट हैं प्रॉफिट के चांसेस टेन परसेंट भी नहीं है तो इसीलिए जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं इनके लिए हमने प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट की ताकि उनको प्रॉपर स्ट्रेटजी हम बता पाएँ प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पर आपको शेयर कर पाएँ सिग्नल्स भी हम वहाँ पर आपको शेयर करते हैं तो ये चीज़ें नए इन्वेस्टर्स के लिए जो पुराने वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए तो इंस्टा पर ही कर सकते हैं बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना ही नहीं है ये चीज़ों ने आपको बता दी बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद करें इसके खुद, करस्क, खुद करस्क के रिसर्च के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपज़ से है ताकि आपको ओवरऑल कोइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर की लिंक है उनको भी आप जरूर फॉलो कर ले ताकि इस टाइप की रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहे थैंक यू